OnePlus का नया फ्लैगशिप फ़ोन OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro 14 मई को लॉन्च होने वाला है और काफ़ी नेट पे इसकी रूमर्स आ रहे हैं और ये जो फ़ोन है ये बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। अभी रिसेंटली काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्च हुए हैं जिनमें पॉपअप सेल्फी और अलग अलग तरह के, जैसे सैमसंग ने अभी फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च किया, तो अभी इस बार देखते हैं कि OnePlus क्या लॉन्च करने वाला है। वहाँ पर मेरे पास आ गया है OnePlus 7 के कुछ लीक्स और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं इसकी, और इसके बारे में कुछ, इसके डिज़ाइंस कैसा होंगे और इसकी कैमरा क्वालिटी, सब मेरे पास जो लीक्स हैं वो आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। हेलो गाइज, मेरा नाम है नितेश, आप देख रहे हैं टेक्नूटो। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार तीन वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, वन प्लस सेवन, वन प्लस सेवन प्रो और वन प्लस सेवन प्रो 5G। तो ये जो तीन वेरिएंट है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वन प्लस लॉन्च कर रहा है, वेरिएंट्स अपने अलग अलग निकाल रहा है। इससे पहले वन प्लस अपने वेरिएंट्स नहीं निकालता था, जस्ट उनके 32 GB और रैम वेरियंट निकालता था कि। तो अब आते हैं वन प्लस सेवन पे और इसमें आपको देखने को मिल सकता है वर्टिकली अलाइंड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, एक थिन बेजल डिस्प्ले विद पॉपअप सेल्फी कैमरा मॉड्यूल। फ़ोन के बॉटम पे आपको देखने को मिलता है USB टाइप सी पोर्ट कट आउट और एक स्पीकर ग्रिल और दो माइक्रोफोन्स। और इसके की स्पेक्स की बात करें तो वन प्लस सेवन में आपको देखने को मिलता है 6.40 इंच डिस्प्ले विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, 6 GB रैम, एंड्रॉयड 9 पाई, 128 GB स्टोरेज, 3700 mAh की बैटरी मिलेगी। और यहाँ पे वन प्लस के CEO ने कंफर्म किया है इस बार कि आपको वायरलेस चार्जिंग जो कि सैमसंग और इन सब में ऑलरेडी आ चुकी है, तो वन प्लस सेवन में ये आपको देखने को इस बार भी नहीं मिलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली आपको इस बार भी वन प्लस में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब आते हैं वन प्लस सेवन प्रो के इमेज लीक्स पे और उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है डुअल एच डिस्प्ले जो हमें सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस में देखने को मिला था, और वन प्लस सेवन प्रो में आपको मिलता है 6.67 इंच का सुपर ऑप्टिकल डिस्प्ले विद स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर और 8 GB रैम के साथ। और इसमें आपको जो स्टोरेज है वो मिलती है, इंटरनल स्टोरेज है इसमें 256 GB। फ़ोन के बैक पे आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा विथ 48+16+8 MP सेंसर। इस बार जो स्पेशल होने वाला है वो ये है कि वन प्लस अपने वन प्लस वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च करने वाला है अपने तीनों वेरिएंट्स के साथ जो कि हमें एप्पल में देखने को मिला था, और इस बार आपको वन प्लस की तरफ से मिलेंगे वायरलेस ईयरबड्स। और इनकी प्राइस क्या होती है और ये कैसे दिखेंगे ये सब, इसके बारे में अभी कोई लीक्स नहीं आया, ये हमें 14th को देखने को मिलेगा लॉन्च इवेंट में वन प्लस के। तो वैसे आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको और भी वन प्लस के अपडेट्स चाहिए और वन प्लस से रिलेटेड जो इवेंट आ रहा है उसके और भी अपडेट्स के बारे में जानना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ और लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।